20 डेज प्लेज में हम क्या करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, 100 200 500 क्वेश्चन नहीं, कॉन्साइसली 10 12 सवाल, और वही जो एग्जाम में आते हैं, जिनके लिए मैं गारंटी से बोलता हूं छप गए पर्चों में, ये सवाल हम करने वाले हैं। तो इट बिकम्स मोर सो इंपॉर्टेंट कि आप 20 डेज प्लेज के अंदर पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सैफुद्दीन राउटीवाला, मेरा नाम सैफ, सैफुद्दीन राउटीवाला से सैफ कैसा हो गया, स्टूडेंट को सैफुद्दीन राउटीवाला बहुत लंबा लगता है, तो सब मुझे लॉयर नहीं सैफ के नाम से जानते हैं। ओके, मैं MBA हूँ, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मात्र 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मेरी शक्ल से, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, बट मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जिन जिन एग्जाम में मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। CSEET के अंदर 20 डेज प्लेज बहुत ज़रूरी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है ही है, बट यदि आपके पास समय कम है और आपको क्वेश्चन समझने हैं, पैटर्न समझना है क्वेश्चन का कि किस तरीके के आते हैं, एग्जाम में क्या छपता है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोर्स करने के लिए तो 2-2 साल के कोर्स होते हैं, 6-6 महीने के कोर्स होते हैं, बट नटशेल में 20 दिन में प्रिसाइसली कॉन्साइसली एग्जाम में क्या आने वाला है, क्रिस्प आउटपुट कैसे लिया जाए, 20 डेज प्लेज। CSEET का लॉजिकल रीजनिंग देखें तो 20 टॉपिक है दोस्तों, 20 टॉपिक, 20-22 टॉपिक करने में तो सर बहुत टाइम लगेगा उनकी प्रैक्टिस करना, टॉपिक छोटू है, इनके हम प्रोसेसली क्वेश्चन करेंगे जो पैटर्न पे आते हैं, तो इट बिकम्स बेसिकली आपके लिए कैप्सूल प्लेज, जिसको आप खाते से ही चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे।